मैंने आज से अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करी है दोस्तों, मैंने पूरा एसएसएस पूरा किया है। करो आप भी करवाओ। मैं घर पर होके ना मास्क ही लाना है या फिर ऐसा करो एक पैर नहीं उठेगा ये कहां से हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज चुके हैं, एक सेकेंड, 12 बज चुके हैं। मैं एकदम तैयार हूँ, अविनाश पीछे तैयार है, मम्मी पापा, अरे मैंने अभी देखा ब्रेकफास्ट हो रहा है पीछे, मेरे को नहीं पता था ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पापा गुड मॉर्निंग कह रहे हो, अविनाश बिजी है, मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करिए। मम्मी ने आज पूरा मंदिर साफ किया और ये देखिए हमारे पापा, अभी ये सारा जो पानी है अगर आप जानना चाहते हो तो ये अभी सब प्लांट्स में जाएगा, और ये रहा बाकी का डेकोरेशन जो कि अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। और आज अविनाश और मुझे थोड़ी सी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं तैयार हूँ एकदम, जैसा कि अविनाश ने बोला था, और अविनाश भी तैयार है, पीछे बिजी है काम में, तो मैं अभी आपको मिलवाती हूँ अविनाश से। मीन वाइल आप मेरी चिट्टी जो मिल सकते हो जो कि बहुत खुश है, चेहरू से मिल सकते हो जो कि बहुत खुश है, कोको अंदर ही है, ये बहने बन के बैठ गई हैं। क्या कह रही हो मम्मी? निकाल दो। मम्मी मन तो नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा दो चम्मच ले लेती हूँ मम्मी, ज्यादा नहीं, बस मम्मी बस बस। एक्चुअली इतना खाया ना इन दिनों की अब बिल्कुल ही मन से, रात को मैंने खाना भी नहीं खाया है और अभी भी मन नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, बट देन अब सारा निकालना पड़ेगा भैया। आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ और आज से ही मेरे को अपना जितना खाया ना ये फटाफट निकालना है, बिकॉज अदरवाइज सब निकलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जो कि मेरी बेबी बोल चुकी है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। और आज घर एकदम वैसे ही पड़ा हुआ है, शाम हो जाएगी घर को सेटल होने में, क्योंकि ये मंडप डिसमेंटल करने के लिए आएंगे 3-4 बजे के करीब, हम लोग को बाहर जाना है, एक दो मीटिंग्स करनी है। आज 5 दिन के बाद मेरे बेबी को मिलेगी स्टारबक्स की कॉफी। क्या बात कर रहे हो है? हाँ, मेरे को स्टारबक्स की कॉफी मिलेगी आज। 5 दिन हो गए बेबी, मैंने स्टारबक्स की कॉफी नहीं पी है, वो लोग भी याद कर रहे होंगे कि कहाँ गई मैं, हंस रही हो क्या? उनको पता है ना गणपति है घर में, इसलिए नहीं आए। मम्मी ने ज्यादा अच्छा मुंह बनाया नहीं है मेरी कॉफी पे। पापा आप मेरे साथ हो? मुझे दुख लग रहा है, 5 दिन हो गए। नहीं नहीं आज जाना चाहिए है ना आपका जाना तो बनता है। ये ना पापा अंदर ही अंदर हंसते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मुंह पे कुछ नहीं होता, अंदर ही अंदर बहुत हंस रहे होते हैं अंदर हम लोग चल पड़े हैं एक मीटिंग के लिए, एकदम तैयार तैनात, स्पोर्ट्स शूज पहन के कौन जाता है मीटिंग में। हम लोग निकल गए हैं अपनी मीटिंग से और अभी रास्ते में जाते जाते डेफिनेटली 5 दिन के बाद कॉफी तो बनती है, पहुंच गई हूँ अपनी फेवरेट जगह दोस्तों, और मम्मी इंतजार करेगी घर पे, तो एक कॉफी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं कुछ खाऊंगा भी फिर, मुझे भूख लग रही है, खा ले। आज मैं कैरी को प्यार नहीं करूंगा। क्यों? रो रही है अंदर अंदर, रो रही है। सिस क्या? क्या कर रही है? क्या कर रही है? सिसक रही है, सिसक रही है। वो भी तो सिसक रही है। कोको बेटा। तो जी हम लोग अभी अभी घर पे आए हैं और कल से एक पार्सल आया हुआ था जो हम खोल नहीं पाए क्योंकि काफी बिजी थे विसर्जन की वजह से, तो अभी उसको खोला है और पता चला है कि स्वास्तिका दे हैं दिल्ली से, ग्रेटर कैलाश से, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए गणपति के लिए कुछ कपड़े भेजे थे और बहुत ही कमाल के कपड़े भेजे हैं। स्वास्तिका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वही है जिन्होंने हमें पहले करवा चौथ के लिए भी साड़ी भेजी थी और तुम्हारे लिए कुर्ता भेजा था, बट थैंक यू सो मच स्वास्तिका, इट इज ब्यूटीफुल, आई हैव ऑलरेडी सीन इट, और अब मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या भेजा है हमारे लिए। सॉरी वो लेट आया, वरना हम लोग कल डेफिनेटली ये पहन लेते कपड़े। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये साड़ी है जो कि मेरे लिए है, ब्लाउज देख के मैं पहचान सकती हूँ कि मेरे लिए बनाई गई है साड़ी, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, आई लव्ड इट, डेफिनेटली मैं पहनूंगी इसको। अभी तो पूरा फेस्टिवल का सीजन शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मौका मिलेगा पहनने का। लेटर निकालती हूँ इनका, तो लेटर में पता लग जाएगा कि क्या चीज किसके लिए है। एक मरून कर्नाटक कसूटी साड़ी फॉर आंटी, ये कर्नाटक वाली साड़ी है, ये मैं दिखा देती हूँ। मम्मी इधर आई हो,
अरे मम्मी की साड़ी तुमसे ज्यादा ग्लैमरस लग रही है। मम्मी ये कर्नाटक की साड़ी है, हाथ देखो जरा इधर इधर आई, ये तो बहुत सुंदर साड़ी। अरे वाह मम्मी, ये भेजा बेटा। मम्मी ये हमारे लिए ना पहले भी दिल्ली से स्वास्तिका है। आपको याद है एक ब्लाउज था जिसपे हम दोनों की फोटो की कढ़ाई की हुई थी, शादी की फोटो का उन्होंने भेजी। पूरा काम किया हुआ है मम्मी, हाथ का काम है ये तो। मम्मी ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये देखो सुंदर है, बहुत हल्की है। अरे यार लव दिस साड़ी यार। थैंक यू स्वास्तिका, ये मेरे लिए साड़ी भेजने के लिए, साड़ी बहुत पसंद आई है मुझे, बहुत खुशी हुई है इसको पाके। मैं इसको पहनूंगी, अपने पास रखूंगी। ये देखो तुम पहनने जा रही हो क्या अभी? इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ी। मम्मी ये देखो कैसी लग रही है मम्मी। है बहुत खर्चा किया हम लोगों के लिए, है ना? बहुत ज्यादा। क्यों किया इतना खर्चा, क्या जरूरत थी? कपड़ा, लेकिन ये प्यार है मम्मी, प्यार है, ये प्यार है मम्मी। और क्या लिखा है लेटर में? और लिखा है, फिर आया है मरून कुर्ती फॉर अंकल। अच्छा आप ही के कलर का मरून कुर्ती है पापा के? ओ मैचिंग का, मम्मी के मैचिंग का। देखो पापा के, पापा ये देखो। अरे पापा तो इसमें एकदम जच जाएंगे। बहुत सुंदर जच है। अरे वाह बहुत सुंदर है। पापा इसके साथ ये भी है, पजामा भी है। और अब लास्ट में आता है, अविनाश के लिए भेजा है गोल्डन कुर्ती फॉर अविनाश। ये गोल्डन तुमसे मैचिंग का है क्या ये? हाँ अब हम लोग मैचिंग तो। अरे बेबी, अरे बेबी तुम्हें मालूम है क्या लिखा हुआ है इसपे? क्या? दिस इज सो स्वीट बेबी, तुम्हारे रिक्शा वाले के लिए रिक्शा बनाया है पूरा। अरे लिखा है रिक्शा वाला। ओ माई गॉड, तुम्हारी शॉर्ट फिल्म के लिए। दिस सो स्वीट स्वास्तिका, आई लव्ड इट। कितना प्यारा है मम्मी, देखो कितना सुंदर, कितनी मेहनत लगी होगी इसको करने में, इतना प्यारा रिक्शा बनाने में। और ये अलग भी लग सकता था लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर जिस जगह पे बनाया है, परफेक्ट। और अच्छा ये भी मटेरियल भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। एक चीज और देखो, पूरा फॉल वॉल लगा के आया साड़ी। अगर चाहे इंसान तो तुरंत पहन सकता है, पूरा तैयार करके, पूरा तैयार करके। देखो एक दिन सिर्फ लेट पहुंची ये चीज, बट एक्चुअली कल हमारे पास, कल ये पार्सल आया था और कल हमने खोला नहीं, थिंकिंग की चलो पार्सल है बाद में खोलते हैं। और ये अगर परसों आ गया होता तो कल डेफिनेटली हम लोग विसर्जन के टाइम पे, लाइक कल वाले दिन पे पहन ही लेते हैं। थैंक यू सो मच स्वास्तिका, सचमुच में सारे कपड़े बहुत अच्छे, लेकिन ये जो आपने रिक्शा वाला का कॉन्सेप्ट इस पे ऐड किया ना, मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बेबी ये देखो कितना हल्का साड़ी है ये। मम्मी साड़ी बहुत सुंदर है, मम्मी की साड़ी बहुत प्यारी है। ये तो आप ऐसे यूं पहन लो, इसमें बहुत टाइम भी लगा होगा। ये जो काम हुआ है ना, काम हुआ, कर्नाटक की साड़ी है मम्मी। है क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक कसूती साड़ी फॉर आंटी, और रेड पठानी साड़ी जो तुम्हारा है। मेरी साड़ी तो खैर, दैट इज अ रेड पठानी साड़ी, इट्स एन आउटस्टैंडिंग साड़ी। थैंक यू सो मच स्वास्तिका फॉर दीज लवली गिफ्ट्स। एक्चुअली आपको बनता नहीं था कि आप इतना कुछ करें पूरी फैमिली के लिए, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए इतना सोचा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच स्वास्तिका इस गिफ्ट के लिए। पूरी संभावना बच्चों को घुमा के ले आई है और एकदम गहरी नींद से प्रताड़ित होकर सो रही है। मम्मी भी साथ में गई थी, मम्मी वॉक करके आई है। मम्मी ने वॉक करी है, तुम्हें पागल बना दिया होगा तुम्हें पता भी नहीं। मेरी चेरी की बॉल जहाँ तक जा रही थी ना, वहाँ तक मम्मी पहुँचती थी। अच्छा, फिर वहाँ से वापस आ जाती थी चेरी के साथ, आधे रास्ते से। आधे रास्ते से कैसे भी ना, चुन्नी नहीं करती, थोड़ा उजाले में नहीं जाती। अरे जब आप चुन्नी लेके जाती हूँ तब कौन सा वॉक, तब क्या करती है? ये इनकी सच्चाई चेरी बताएगी, चेरी से पूछो। चेरी दादी की सच्चाई बताओ, खुद क्या बताए, वो खुद ही लग रही है। उसकी खुद की अपनी कहानी है, वो दूसरे की कहानी क्या। पापा को ऐसा काम आ गया है, ऐसा काम आ गया है मार्केट से। ये आज रात भर करेंगे क्या पापा? लग रहा नशा में खो गए हैं काम के। चाय बना दूं? चाय नहीं, अभी तो मिठाई। अरे मैं आप तो कह रहे थे कि दो बोल कड़वे भी चलेंगे अब मुझे, शाम तक तो आपको कड़वी चीज चाहिए थी। कड़वी का हो गया, उसका नशा खत्म हो गया। मम्मी के दो कड़वे बोल ही चल जाएंगे, लेकिन मीठा नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, डालगोना कॉफी बना दो। शर्म नहीं आती, योगा करके थक गई हूँ। मैंने आज से अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करी है दोस्तों, वीडियो नहीं बनाया, कल बनाऊंगी। मैं अंदर गया था एक्सरसाइज देखने तो लड़खड़ा के गिर रही थी इधर से उधर। नहीं लेकिन मैंने पूरा एक्सरसाइज पूरा किया है। करो आप भी करो, उसमें ना मांस मांसपेशियां हिल जाती है। तब मैं घर पर जल झलाहट होके ना मांस मांस हिलता है। दिल्ली जाके कर, लेकिन पहले नीचे वालों को कमरा खाली करा देना, करने से पहले पता चला मांस हिलाना है, सारा सीमेंट रोड़ी लेके गिर गई। नहीं हिलाना नहीं है, मांस ऐसे नहीं हिलाना, ऐसे हिलाना है, ऐसे हिलाऊंगी या फिर ऐसा करो।
तो एक पैर नहीं उठेगा ये कहाँ से होगा। चले भाई अब तो आराम कर रहे हैं, तो मम्मी आप जाओ सोने, मैं चली सोने। आपको मिलते हैं दोस्तों कल के एकदम सुलभ शौचालय ब्लॉग में। कल के एकदम सुलभ मैं बोलना चाह रही थी, सुलभ के बाद क्या बोलते हैं, शौचालय। शौचालय हो हो, एकदम सुच्चे ब्लॉग में। सुच्चा क्या होता है? सुच्चा मतलब एकदम झूठा झूठा। सच्चा आएगा, अब आएगा सच्चा ब्लॉग। तो आपको मिलेंगे हम कल के सच्चे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ये सच्चा ब्लॉग देखिए एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेफ एंटरटेनमेंट। चलो चिट्टी चलो चले जाएगा। ये कौन रो रहा है? ये तो खानदान लेके गई पिट्टी।